नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मथुरा टेक्निकल चैनल पर। आज मैं इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला हूं। इस पेज के ओनर का कहना है कि सर, मेरे फेसबुक पेज ने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए थे, लेकिन मोनेटाइज होने से पहले ही मेरे फेसबुक पेज पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ग्रीन से रेड हो चुका है। ऐसा मैंने क्या मिस्टेक किया है जिसकी वजह से मेरा फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रेड हो चुका है? तो अब मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे फेसबुक पेज का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ग्रीन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस पेज का हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस पेज पर 12 के फॉलोवर्स हैं, यानी कि इन स्ट्रीम एड्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है। और मैंने मिनट्स व्यूज भी चेक किए हैं, जो 30,000 वन मिनट व्यूज चाहिए होते हैं वो भी लगभग लगभग कंप्लीट होने ही वाले थे। तो सबसे पहले मैं पेज क्वालिटी चेक कर लेता हूं। मोर पर क्लिक करेंगे, पेज क्वालिटी पर क्लिक करेंगे, देख लेते हैं पेज क्वालिटी पर कोई इश्यू तो नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं पेज क्वालिटी पर कोई भी इश्यू नहीं है। अगर इश्यू होता तो यहाँ ऑरेंज या रेड शो करा देता, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रीन है, यानी कि पेज क्वालिटी एकदम साफ है, सुथरी है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं इस पेज पर जो दिक्कत है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी की दिक्कत है। अब हमें यह देखना है कि जो ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रेड हुआ है वह किस वजह से हुआ है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं क्रिएटर स्टूडियो पर, क्रिएटर स्टूडियो पर उसके बाद क्लिक करना होगा मोनेटाइजेशन पर। जैसे ही हमने मोनेटाइजेशन पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं इस पेज पर मोनेटाइजेशन इश्यू दिखा रहा है। अब हमें उसके लिए ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है, क्या रीजन है जिसके वजह से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रेड हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा पॉलिसी इश्यू पर, पॉलिसी इश्यू पर जैसे ही क्लिक किया, अब यहां पर आप देख सकते हैं रीसेंट ब्रीचेस, यानी कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो बात समझ में आ गई कि इस फेसबुक पेज के ओनर ने क्या मिस्टेक किया है। यहां देख सकते हैं आप, शेयर्ड कंटेंट दैट वाज अनओरिजिनल और रिपर्पज कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज विद लिमिटेड एडेड वैल्यू। इस फेसबुक पेज के ओनर ने क्या किया है, अपने फेसबुक पेज पर शेयर कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट, रिपर्पज कंटेंट अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। दोस्तों याद रहे, अगर आप अपने फेसबुक पेज पर शेयर कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट या रिपर्पज कंटेंट अपने पेज पर अपलोड करेंगे तो आपके पेज पर 100% लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन आ जाएगा और जो आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वह ग्रीन से रेड हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आपने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कंटेंट या अनओरिजिनल कंटेंट या रिपर्पज कंटेंट डिलीट करने हैं, डिलीट करने के बाद अपने फेसबुक पेज पर ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है, 30-40 days तक ओरिजिनल कंटेंट भर भर के अपलोड करना है। जब आप अपने फेसबुक पेज पर ओरिजिनल कंटेंट भर भर के अपलोड करेंगे तो जो फेसबुक की एल्गोरिथम है उसको एक अच्छा सिग्नल पास होगा, यानी कि जो फेसबुक टीम है जब आपके पेज पर रिव्यू करेगी तो देखेगी कि अब इस पेज पर कोई भी शेयर कंटेंट या अनओरिजिनल कंटेंट या फिर रिपर्पज कंटेंट नहीं है, तो फेसबुक टीम आपके पेज से वायोलेशन को रिमूव कर देगी, यानी कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जो ये वायोलेशन आया है इसे रिमूव कर देगी और आपके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को रेड से ग्रीन कर देगी। और दोस्तों याद रहे, अगर बाई चांस आपके फेसबुक पेज से ये वायोलेशन 30-40 days के अंदर रिमूव नहीं होता है तो आपको करना क्या है, तब आपको यहां से रिक्वेस्ट करना है। तो रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और पार्टनर पर क्लिक करना है, यहां पर अपने पेज का लिंक देना है। लिंक देने के बाद यहां पर आप
पेज क्वालिटी का स्क्रीनशॉट अटैच करना है। चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपने पेज क्वालिटी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है और देन उसके बाद सेंड कर देना है। जब आप सेंड करेंगे तो फेसबुक की जो टीम है आपके पेज का रिव्यू करेगी और जब रिव्यू करेगी तो उसे कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी, यानी कि कोई भी अनओरिजिनल या रिपर्पज कंटेंट या अदर सोर्स से लिया हुआ कंटेंट नहीं मिलेगा। तो फेसबुक टीम आपके पेज को आपके पेज से वायोलेशन रिमूव कर देगी और आपके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को रेड से ग्रीन कर देगी। तो इस प्रकार ये पेज मोनेटाइज हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।